उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आया था। इस कॉल पर ही जान से मारने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को अज्ञात नंबर से ये कॉल आया था। इसमें कहा गया कि अगर योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो हम उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। शनिवार शाम को मिले इस धमकी भरे मैसेज के बाद सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। हालांकि धमकी किसने दी इस बारे में कुछ पता नहीं चल सका है, क्योंकि ये संदेश अननोन नंबर से आया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। वहीं धमकी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। इस बार उन्हें मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम के फोन नंबर पर धमकी दी गई। धमकी देने वाले शख्स ने 10 दिन के अंदर सीएम योगी को इस्तीफा देने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर बाबा सिद्दीकी की तरह मारने की धमकी दी है। शनिवार शाम आए धमकी भरे कॉल के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। फोन करने वाले की तलाश भी की जा रही है। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आई इस कॉल की जांच में पुलिस जुट चुकी है। गौरतलब है कि 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर ऑटो से आए 3 शूटर्स ने गोली मारी थी। इस हत्याकांड के बाद पूरे मुंबई में सनसनी फैल गई थी और इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ाकर Y+ कैटेगरी की कर दी गई। फिलहाल बाबा सिद्दीकी मामले की जांच चल रही है और इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। इससे पहले इसी साल मार्च के महीने में राजधानी लखनऊ के महानगर स्थित नियंत्रण कक्ष सुरक्षा मुख्यालय में शनिवार रात फोन करके सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल उधम सिंह के अनुसार रात करीब 10 बजे कॉल आई थी। योगी आदित्यनाथ को धमकी UCG नंबर पर दी गई थी। युवक ने फोन किया और कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा देंगे। इस पर जब सिपाही ने पूछा कि वो कहां से बोल रहा है तो युवक ने तुरंत फोन काट दिया। योगी आदित्यनाथ को तब धमकी मिलने से हड़कंप मच गया था। इसके बाद 23 अप्रैल को एक शख्स ने डायल 112 पर मैसेज कर धमकी दी थी, जिसमें अपराधी ने लिखा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ को मार दूंगा जल्द ही। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हुई थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरह एक शख्स ने ट्विटर पर धमकी दी थी, उसे मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। साथ ही एक शख्स ने फेसबुक पर भी इसी तरह की धमकी दी थी, उसे भी बिहार से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।